माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का आगाज़ हो गया, तो नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया अम्मी को बना के, नदीम का भी टिफ़िन पैक कर दिया, ऑफिस जा रहा है वो। इधर मैंने ना हांडी रख दी पकने के लिए, प्याज रखे ब्राउन होने के लिए, और मैं बना रही हूँ चिकन चने, यानी कि वो चिकन चने अंडे डाल के। ये अंडे मैंने टमाटर काटे हैं छिलका उतार के, अभी इसमें भी सारे डालूंगी। अभी मैं कहा चले जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक मैं ना वो टमाटर वगैरह काट के रखती हूँ। अभी चनों को तो 10 मिनट प्रेशर लगेगा, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे इनको भिगोया था, तो लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही रात की, बस उसने खाना वगैरह भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गया। रात की भी उसने रोटी नहीं खाई थी, तो बस उसी की थोड़ी परेशानी थी। फिर तो हम सुबह के हुए थे, मैं तो चलो हांडी बना लेते हैं, चने भी गए हुए हैं। जब सारा कुछ घर पे हो ना तो फिर बंदा सुबह सुबह ही पका देता, क्योंकि कल मैंने अरबी पकाई थी, अरबी मेरी ख़त्म हो गई है जो थी, वो नदीम दफ्तर लेके जा रहा है खाने रोटी खाने के लिए, तो फिर नाश्ता करना हमने, मैंने और अली, मैं कहा चलो फिर चने सुबह सुबह पका लेती हूँ, खाती हूँ मैं आपको। अभी बनाऊँगी, चिकन की दुकान खुलती है ना, फिर मैं स्पैगेटी बनाऊँगी। रात को मैं स्पैगेटी वगैरह ले आई हूँ, तो अली मेरा कितने दिनों से मांग रहा था अपने पापा से मैंने स्पैगेटी खानी, उसके लिए स्पैगेटी बनाऊँगी ठहर के, तो शाम के लिए चने पका लिए, चने पकाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने डाले हुए चने और आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच उसका काली मिर्चों का और थोड़ा सा नमक। प्याज हो रहे मेरे ब्राउन, चले जैसे मसाला तैयार होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर मैं डालने लगी हूँ मसाले, तो नमक पहले डाला हुआ है, थोड़ा सा सूखा धनिया और आधी चम्मच छोटी मिर्चों की, आधी ही लाल मिर्चों की, और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा जीरा डाल दिए। मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर थोड़े से नरम होते हैं ना, प्रेशर भी मेरा चलने लग गया। रात को हमारे इधर इतना अच्छा मौसम आया था, एकदम हनेरी आई है, उसके बाद फिर हवा रुक गई, जब हम बाज़ार गए थे हवा रुक गई थी, बस ऐसे ही है ना, कभी मौसम सही हो जाता कभी ख़राब। चले जैसे मेरे चने तैयार होते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी इधर मैंने ना मसाला हो गया, उसके मसाले में से मैंने ऑयल निकाल लिया, घी, तरी तरी, अब ये मैं प्याज, तो प्याजों को अच्छी तरह इसमें वो करूँगी, इसके साथ पीसूँगी। इधर मैंने अंडे भी रख दिए बनने के लिए, चने थोड़े से कच्चे थे, मैं क्या 5 मिनट और प्रेशर लगाती हूँ, तो इधर ये मसाला होता है फिर इसमें चने डाल के फिर दिखाती हूँ। चने हो गए ये देखें, गाढ़े हो रहे हैं बस, इतने गाढ़े बड़े हैं, तो इसका हल्की करती हूँ, ढक्कन रखती ऊपर। अंडे मेरे ना टूट गए, यानी कि 2 अंडे टूट गए, ये देखें बिल्कुल टूट गए, हल्के से हो गए। इसको छील के डालती हूँ इसके अंदर, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी धनिया मंगाना है, चिकन मंगाती है ना साथ ही धनिया, फिर धनिया फिर लास्ट में डालूँगी। ये मैंने ना पैकेट के लिए पानी डालती हूँ इसके अंदर, पानी डाला हुआ है, ज़रा इसको उबाइल आ जाएगा, साथ ही स्पैकेट उबाल के रखती हूँ फिर चिकन मंगाती हूँ। फाइनल लुक चलूँगी, इसमें मैं तरी डालूँगी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना मम्मी मुझे कहती चने बना दे, ये नहीं बताया हमारे घर में तो ये चने नहीं बनते ना, हमारे घर में ना शोरे वाले पकते हैं चावलों के साथ, तो मुझे कह रही चने बना दे, मैं कह अच्छा, ये नहीं बताया, नहीं कह रही चिकन चने बना दे, मैं कह अच्छा मैंने ना ऐसे ही बना दिए जिस तरह मैं बनाती हूँ शोरे वाले, वो मैंने बनाए, तो जब मैंने मम्मी को दी मम्मी बोलने लग गई, मैं नहीं खाने ए वाले नहीं किया तेन, मैं असी क्या ही बनाने, इसमें मैं नमक डालती हूँ, नमक डाल के फिर रखती हूँ, फिर मैंने कहा असी तो घर ही बनाने, नहीं असी नहीं बनाने, असी दूसरे बनाने, मैं अच्छा
फिर बाद में इन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया तो उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई थी खुद ही। चलो मैं तो पानी डालती हूँ, स्पैगेटी डालूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। तो बाइल आ गया, इसके अंदर मैं अब डालूँगी मकरोनी, इसको 5 मिनट बस उबालना है, उसे उबलती है फिर इसको मसाला भूनते हैं। इसका रख दी मैंने ब्राउन होने के लिए, बहुत ज़्यादा हो रही है तो इधर मखरोनी स्पैगेटी उबल गई है, देखना है। और इधर मैंने मसाले काट लिए, इसमें टमाटर है और वो सूखा धनिया, काली मिर्च थोड़ी सी, थोड़ी गोटी मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, और इधर ये वो है हरी मिर्चें, इसको कूट के डालूँगी। चलिए जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आपसे शेयर करती जाऊँगी। ये देखिए मसाला हो गया मेरा, यानी कि इसको भी पानी डाला मैंने, हरी मिर्चें भी डाल दी, सारे मसाले डाल के इसको हल्की आँच पे ज़रा नरम होने दूँगी जब तक अम्मी चिकन लेके आ जाएगी। इसको हल्की आँच कर देती हूँ तो मेरी आँच बड़ी है, तो मैं खलारा समेटती हूँ, खलारा समेट के फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया तो थोड़ा सा भून के, तो अब स्पैगेटी डालती हूँ। स्पैगेटी को ठंडे पानी से धोऊँगी क्योंकि चिपक गई है सारी, ठंडे पानी से धो के फिर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया, तो मिक्स करके इसको 10 मिनट दम पे लगाऊंगी, तो स्पैगेटी हमारी तैयार। इसके बाद फिर मैं अली को लेके जाती हूँ अभी नाई की दुकान पे, इसके बाल कटिंग कराने, क्योंकि इसकी दादी और इसके बाप लेके जाता है ना, तो उसके बालों का सत्यानाश कर रहा था। आज मैं जाती हूँ लेके इसको खुद, तो बस इसको ये खाना दे के फिर उसके बाद जाती हूँ नाई की दुकान पर। मैं अली की खुद कटिंग करा के लाई हूँ, दिखा इधर, इधर कर ना, ये देखें तो यहाँ से इसका मत्था, इसके ना बाल बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं, बिल्कुल आगे को आए होते हैं, तो हाँ उसे कहा 2-3 दफ़ा आप कराएंगे ना तो सही हो जाएंगे। दिखा सही इधर है ना, प्यास लगी है ना, गर्मी बड़ी है बाहर, इसका बाप तो निस्त मार के आता है इसके चेहरे की। अब मैंने देखे, दिखा इधर सही लग रहे हैं, इधर से भी दिखा, चल सही, चल पानी पी फिर मैं लाऊँ। चले जी देखिए मैं इसकी कटिंग कराई हूँ, अभी भाभी होने सो रहे हैं, उठाती हूँ अभी उनको भी, 1 बज रहा है। अदरक लहसुन पीस रहे हैं, मैंने पीस लिया है अंदर, ये ना बड़ा मोटा मोटा अदरक लहसुन था, मैंने तो इसको छुरी के साथ काट के ना बारीक बारीक करके फिर पीसा है। हाँ छोटा है, बड़ा है ना, बहुत बड़ा था, हाँ लहसुन भी मोटा सी, तो से गर्मी बड़ी हो रही है, खड़ा नहीं आ जा रहा है। हाँ मेरे इतना पसीना आया, हाँ पके मैनू आप सुबह इन्नी गर्मी लगे, तो मैं ना मैं क्या हूँ काम शाम करने, तो चल अदरक लहसुन पीस, मैं तो हूँ ही बह के छिलिया, नाल ही ग्राइंडर कटिया सी, मैं चल नाल ही पीस लवा, थोड़ा और छिलिया गया। चलो जी ये पीसती अदरक लहसुन, फिर उसके बाद देखते हैं सारा दिन की क्या रूटीन है। जुम्मे का टाइम, जुमा हो रहा है बाहर, 2:15 हो गए, हाँ जुमा ख़त्म होने वाला बस। चले जी हम सब की तरफ से आपको जुमा मुबारक। लगाने लगी हूँ कलर ये वाला, ये वो आप ही पूछती थी, हाँ किसी ने हमसे पूछा था कि हाँ। ये आप कौन सा कलर लगाते हैं, ये देखिए 12 नंबर है गोल्डन में, आप देख लें ये सारा इधर 12 नंबर है ओलिविया का, और यहाँ पे ऐसे सारे कलर होते हैं, इसमें से हम जो लास्ट वाला ना ये वाला लेके आते हैं 12 नंबर, हाँ 12 नंबर, हाँ तो ये हमने इसको मिक्स किया, और इसमें एक डब्बी हमने ना ये वाली डाली है डाली। ये केयर की, इसका पाउडर भी डाला है और इसकी ब्लीच भी डाली है, तो ये अब हम लगाएंगे आसमा के बालों पे, हाँ फिर लगाते हैं, डब्बी हमने मिक्स की है सारा लगा के, तो फिर आपको दिखाते हैं आसमान खोले हुए अपने चाटे, हाँ चले जी लगाते हैं फिर, हाँ ये चुड़ैल बनी बाल खोले हैं मैं, इसने तो बाल है मेरे यार, इतने ज्यादा बाल, अब इसके क्योंकि पहले भी इसके कलर रहते इसके ऊपर ज्यादा और ज्यादा लगेगा, तो ये बैठ जाएगी अब इधर, अब मैं इसको लगाती हूँ ये वाला कलर,
कलर लगा के, तो फिर ये जब बाल धोएगी ना फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। चले नहीं, यहाँ पे मैंने कलर लगाना स्टार्ट कर दिया है आसमा के बालों पे। आप लोग कहेंगे पता नहीं हमने कोई और लगा रही है, मैं दिखा दूँ आपको, फिर वही लगा रहे हैं। यहाँ से है बस थोड़ा सा ना इसके सर में इन्फेक्शन, और ज़्यादा नहीं है, बस यही है इतना सा, एक जैसे छोटा सा शक्कर। तो अभी किसी से हमने दवाई पूछी है नाई से, जहाँ से अभी अली की कटिंग करवा के, उसने कहा कि ना लहसुन लेके ना उसका टुकड़ा जो है ना काट के उसको अच्छी तरह रगड़ो यहाँ पे। तो अच्छी तरह रगड़े, जब जितना साल पड़ता है वो पड़ने दें अच्छी तरह, रोजाना 2-3 मरतबा करना है, चाहे आपकी अपनी मर्जी है, चाहे 2-2 घंटे बाद कर लें। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपके बाल आएंगे। अगर और भी कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, तो वो भी इसी तरह करें, लहसुन का टुकड़ा लेके ना, तो वो भी करें, इसने भी स्टार्ट कर दिया है करना, तो आप लोग भी करें। हमें किसी ने पहले भी कहा था यहाँ पे ना कि कुछ बताएं आसमा आपकी क्या करती है, तो हमें कल किसी ने कमेंट करके पूछा कि एक हमारी सब्सक्राइबर है इंडिया से आसिया, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे मशवरे दिए थे, तो लेकिन वो यहाँ पे ऑयल वो नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पे इंडिया की सर्विस बंद है, क्योंकि वीज़े भी बंद है, सर्विस चीज़ें हर चीज़ बंद है यहाँ पे, कुछ भी नहीं आता जाता। तो ये मैं अभी लगा रही हूँ इसके कलर, जब ये धोएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी। चलें जी गाइस, मैं जा रही हूँ बाज़ार, बाज़ार जाने के लिए मैं छत पे थी, तो मैंने कहा चलो इधर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज, मैंने मुझे चाहिए था लीज़ा का एक सूट है, उसके साथ का दुपट्टा लेना है, और है ना जा रही मैं नीचे। आसमा को मैंने फ़ोन किया, वो कह रही आ जाओ आप भी, मैं कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, वो नीचे चलते हैं आसमा से मिलते हैं। चलें जी मैं आ गई हूँ नीचे, अम्मी इधर क्या कर रही हैं, अम्मी नौ कटन दे अपने, नौ रगड़न दे। चल आसमा बाजी, असी लीज़ा दे सूट दे नाल दुपट्टा लेना, वो लेन जा रही नाल मेहंदी लेनी है, ते बस हाँ। चलो जी आसमा भी इधर निकल आई है बाहर, तो इधर भाभी भी आ गई हैं, ये हमारी जठानी है, आसमा बाल दिखा रही है उसको अपने, इधर भी दिखा ना कैमरे च, ये देखें कलर कीता सी फिक्के हो गए, ये वही वाला कलर लगाया जो हमने आपको दिखाया था। अभी हम जा रहे हैं बाहर बाज़ार, चलो जी हम निकलने लगे हैं बाहर, बाहर इधर देखें गली में पानी खड़ा है, अभी हमारी अम्मी बोलेंगी इनको जिन्होंने गिराया है। अभी आसमा ने साफ़ किया है, ये देखें ये वो आगे उन्होंने फेंका है, अभी हम जा रहे हैं बाहर। चलो अब आसमान बाजी आज हम बाज़ार चलते हैं, यहाँ से हमने लिए हैं दुपट्टे लीज़ा के, एक ब्लैक है और एक पिंक है, तो एक ब्लैक के साथ लिया है एक पिंक के साथ लिया है, अभी हमने दुपट्टे ही लेने थे और बस कौन मेहंदी लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। जी हम आ गए हैं बाज़ार से, तब हम जा रहे हैं अंदर कमरे में, ज़रा हवा लेते हैं चल के, तो बैठते हैं, इधर बैठा हुआ है टीलू, अरे अल्लाह आ रही है आसमान भी, बड़ी गर्मी, इन्हें भी दही पानी, इन्हें भी दे पानी। अभी इधर से पानी पूनी पी के फिर हम चलते हैं ऊपर, यहाँ मैं ले आई थी दुपट्टे लीज़ा के दोनों, फिर मैंने पोनियाँ ली, ब्लैक सूट लिया हमने कल लीज़ा का ना, ये बोले ब्लैक पोनियाँ ली दो और कौन मेहंदी ली है, और बस ये हमने कौन मेहंदियाँ ली, पानी पी लें हाँ, ये हम कौन मेहंदियाँ लेके आए हैं, बाकी तो सारा कुछ था, इस दफ़ा हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, ये ना न्यू मेहंदी है ये खान स्पेशल, वो कह रहे थे लगा कर ट्राई करें, कोई आपको वो नहीं होगा, लंबा नहीं आएगा तो
पंजाबी च 50-50 वाली है ये, दो लेके आए हैं हम, तीन तो लोग हैं चार। चलो जी इतनी सी हमारी शॉपिंग थी, तो अभी हम आए हैं बाजार से, हमारे चेहरे पे देख ले इधर इतने पसीने आए हैं, पसीने से काते हैं मेरे से फिल्म लगी हुई है। चलें जी गाइस हम बाजार से आ गए थे, मैं भी अभी ऊपर आ गई हूँ, तो आसमां तो कमरे में है नीचे। आज का मैं व्लॉग मैंने कहा अभी काफ़ी रात हो गई है, अब एंड करती हूँ क्योंकि गर्मी है, गर्मी में व्लॉग बनाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्या मसला है, तो ना कहीं बाहर जाने को दिल करता है, ना घर में कुछ काम करने को दिल करता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस आजकल ऐसे ही है, जो होता है वो बना लेते हैं, तो आगे कोशिश करते हैं थोड़ा सा मौसम ज़रा सही हो जाए, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें, तो गर्मी है, गर्मी में कुछ करने को दिल नहीं करता। जिनके इलाके ठंडे हैं वो तो चलो सही है, मौज में है, जिनकी गर्मी है उनको बस अल्लाह ताला अपनी रहमत करे बस। कल तो इतनी अच्छी हवा चली थी ना, ठंडी, बिल्कुल सुकून हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का करते हैं यहीं पे व्लॉग एंड, अब आपको कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।